नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हमने पहले लेक्चर में सीखा टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स के बारे में, जिनमें हैं इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन्स। फिर हमने देखा कि इनके फ्लो होने से करंट एग्जिस्टेंस में आती है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट के टाइप्स हमने डिस्कस किए सेकेंड लेक्चर में, एसी, डीसी मेनली, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट, एडी करंट्स और ट्रांजिएंट करंट, जो कि कैपेसिटर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के दौरान फ्लो होती है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, हमने करंट डेंसिटी को फुल डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें जो क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में बच्चों, आपको घुमाया जाता है, तो क्लैरिटी के साथ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि चार्ज स्केलर है, चार्ज डेंसिटी, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, तीनों स्केलर हैं। करंट भी स्केलर है, पर करंट डेंसिटी वेक्टर है, जिसको हम सिंबल जे से दिखाते हैं, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फील्ड की डायरेक्शन होती है। यानी उस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में वो चार्ज चलेगा वही डायरेक्शन होगी करंट डेंसिटी की। तो बच्चों, इसके बाद अब लेक्चर नंबर 4 में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। तो डिफरेंस क्या है, जब हम वेक्टर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम इसको नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जब हम स्केलर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम इसको नाम देंगे ड्रिफ्ट स्पीड, बिकॉज स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा दूं, क्योंकि लाइट सभी डायरेक्शन में जाती है तो हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम यूज करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बोलेंगे तो डायरेक्शन एसोसिएट करनी होगी और स्पीड बोलेंगे तो डायरेक्शन से हम बच जाते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, दोनों रेफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया नाम का, तो कई जगह मैं ड्रिफ्ट स्पीड कहकर बोलूंगा इसको, कई जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूंगा। वेलोसिटी बोलूंगा तो मुझे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होगा, स्पीड बोलूंगा तो मुझे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। इस टर्म का मीनिंग समझ लीजिए और कौन से फैक्टर से ये कंट्रोल होगी उन चीजों को समझ लीजिए। बच्चों, ड्रिफ्ट यानी बहना। अब बहना किसको है, तो जवाब है बच्चों, बहना है चार्ज कैरियर को। अब चार्ज कैरियर कौन कौन से हैं हमारे पास, तो हमारे पास चार्ज कैरियर जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और गैस डिस्चार्ज ट्यूब में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो इनको बहना है। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर करंट फ्लो होती है तो वो होती है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस दोनों के बहने की वजह से, टोटल करंट के लिए हम दोनों का सम करते हैं। किसी सेमीकंडक्टर में अगर करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के बहने की वजह से, तो फिर से हम दोनों करंट का सम करते हैं। पर जब हम किसी मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, तो बच्चों इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से है, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पर। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये कॉपर की रॉड का कोई टुकड़ा है, एंड विच इज पार्ट ऑफ ए लॉन्ग कंडक्टर थ्रू विच करंट इज पास्ड। करंट फ्लो कराने के लिए हम करते क्या बच्चों, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, तो इसमें करंट बह रही है। तो वास्तव में करंट बह कैसे रही है, चार्ज कोई चल रहा है तो कौन सा चार्ज चल रहा है, क्यों चल रहा है, और जिस स्पीड से वो चल रहा है उसको हम नाम देंगे ड्रिफ्ट स्पीड, उसके बहने की स्पीड। तो वो हमें कैलकुलेट करके निकालनी है, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, उन फैक्टर्स को हमें समझना है साइमल्टेनियसली। तो एक मॉडल पे गौर कीजिए, केटीजी क्लास 11th में आप पढ़ते हैं, वहां पर अगर किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर रेंडम मोशन करते हैं, जिग जैग रेंडम मोशन, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन। तो रेंडम मोशन करने की वजह से उनकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो वो जीरो आती है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी किसी कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर
एनर्जी लेकर, वो एनर्जी कहाँ से आई, जो रूम टेम्परेचर है वहां से आई, वो एनर्जी लेकर रेंडम मोशन करते हैं। आपको पता है सारे मोशन कब सीज हो जाते हैं, जीरो केल्विन पर, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, उस पर सारे मोशन सीज हो जाते हैं, बाकी हर टेम्परेचर पर ये मोशन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मोशन इसमें कर रहे हैं और रेंडमली कर रहे हैं, कब तक, जब तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तब तक। मान लो ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, कोई बैटरी हमने नहीं जोड़ी है, तो रेंडम मोशन कर रहे हैं इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। पर अगर मैं कोई सा भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर करता हूं, तो पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट में जा रहे हैं, तो नेट चार्ज फ्लो जीरो हो गया। इसकी वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, दिस इज द सिचुएशन। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, रेंडम मोशन कर रहे हैं, स्पीड इज वेरी वेरी हाई। कितनी हाई, तो एनसीईआरटी में एक सॉल्ड एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, इसको लिंक कर सकते हो सीधे केटीजी से, अंडर रूट ऑफ 3 केटी बाय एम फॉर्मूला लगाकर जब हम स्पीड का ऑर्डर निकालते हैं। भारत में रूम टेम्परेचर 27 डिग्री हम मान लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, अमेरिका में हम इसको मानते हैं 10 डिग्री और ब्रिटेन में हम मानते हैं 15 डिग्री। तो अकॉर्डिंगली डेटा में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। कुछ किताबें जो अमेरिका में लिखी गई हैं, वहाँ पर जो रेंडम मोशन की स्पीड है उसका ऑर्डर, जो अमेरिका में लिखने के अलावा जो ब्रिटेन में लिखी गई है वहाँ पर, और जो भारत में लिखी गई है, या फिर किसी ने कॉपी करके लिखा है, तो अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलता है आपको। मैं यहाँ पे रफली ये मान के चल रहा हूँ भारत की सिचुएशन के हिसाब से 10^5 मीटर पर सेकेंड, यानी रेंडम मोशन की जो ये स्पीड है, जिसको मैं इधर रेफरेंस साइड में मेंशन कर देता हूँ बच्चों, वी आर स्टैंड्स फॉर रेंडम, दिस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10^5 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी लार्ज स्पीड, बहुत ज्यादा है। पर नेट करंट अभी कितनी है, जीरो है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, हमने क्या किया, टेम्परेचर को और बढ़ाया, बढ़ाया तो रेंडम मोशन और बढ़ जाएगा, ये स्पीड और बढ़ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 केटी बाय एम फॉर्मूले से, पर अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी टेम्परेचर की वजह से यहां कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। हालांकि थोड़ा सा एडवांस स्टडी आप करते हैं, तो अगर कंडक्टर के एक एंड को हायर टेम्परेचर पे, दूसरे एंड को लोअर टेम्परेचर पे रखा जाए, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट। ऐसे इससे मिलते जुलते सीबैक इफेक्ट भी है, सीबैक इफेक्ट का रिवर्स है पेल्टियर इफेक्ट, बस इसे नाम सुन लीजिए, नाम सुनना काफी है, बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं पेल्टियर इफेक्ट, बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना थॉमसन इफेक्ट है, ना पेल्टियर इफेक्ट है, ना सीबैक इफेक्ट है। सीबैक साइंटिस्ट का नाम था, पीछे देखना नहीं है सीबैक का मतलब। तो टेम्परेचर की वजह से यहां पर पर्टिकुलर इस सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रही है, हालांकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हो सकती है, दिमाग में बात बिठा कर रखिए। प्रेशर की वजह से भी हो सकती है बच्चों, प्रेशर की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, उसको उससे रिलेटेड जो डिटेल है हम पढ़ते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, केमिस्ट्री में आपके आता है पीजो क्रिस्टल्स, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइटर आते हैं हमारे पास गैस जलाने के, जिसमें हम बटन दबाते हैं और उसमें जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रेशर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसकी वजह से स्पार्किंग होती है, करंट फ्लो कर, जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा करंट फ्लो करा सकते हैं, जहां पे भी ऊंचा नीचा होगा पानी बहकर जाएगा, सिंपल लॉजिक। तो जहां भी पोटेंशियल का डिफरेंस लगाएंगे, एक जगह पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है, और अगर कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है तो कंडक्शन करंट फ्लो हो जाएगी, यानी चार्ज कैरियर चार्ज को लेकर मूव करेंगे, और जिस स्पीड से वो मूव करेंगे उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। तो अभी हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर था हमारे पास, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, एक बैटरी जोड़ दी, सपोज इधर ढक्कन की साइड में मैंने बैटरी का पॉजिटिव और इधर पीछे बैटरी का नेगेटिव मैंने कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्ट करते ही क्या हुआ, माना कि इसकी लेंथ L है, इसकी पूरी लेंथ L में, इसके पूरे वॉल्यूम में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसके पूरे वॉल्यूम यानी A इंटू L, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा विद स्पीड ऑफ लाइट, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेट होते ही
इसमें मौजूद हर इलेक्ट्रॉन जो कि अभी रैंडम मोशन कर रहा है रूम टेम्परेचर की वजह से, तो उसमें रैंडम मोशन तो रहेगा सही, प्लस साथ साथ एक और एडिशनल मोशन आ जाएगा, डायरेक्टेड मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चलना चाहेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, वो धकेले जाएंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरह, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू द फील्ड। इलेक्ट्रॉन धकेले जाएंगे इधर ढक्कन की तरफ, यानी पॉजिटिव एंड की तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन धकेला जा रहा है इधर, सोच लीजिए भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन है जहां पे कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, फिर पुलिस आ जाती है, मेले ठेले की हालत, पुलिस आ गई तो अब क्या होगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दूर भागने की कोशिश करेंगे लोग, इधर उधर टकराते हुए दूर भागने की कोशिश। इलेक्ट्रॉन भी यही करते हैं बच्चों, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड चलने की कोशिश करते हैं। तो अब दो तरह के मोशन यहाँ पे आ गए, एक तो रैंडम मोशन और एक डायरेक्टेड मोशन। चलते तो है इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन से भी चलना चाहिए, पर क्या होता है बार बार टकराते हैं, उनका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इसकी वजह से वो एक्सेलरेशन से नहीं चल पाते। वो एक एवरेज लेने पर कॉन्स्टेंट आती है, उस वेलोसिटी से चल पाते हैं या उस स्पीड से चल पाते हैं, और उसको हम बोलते हैं उनके बहने की स्पीड, यानी ड्रिफ्ट स्पीड। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों सिंबल वी सबस्क्रिप्ट डी से। अगर मैं वेलोसिटी कह रहा हूं तो ऊपर वेक्टर का साइन लगा दूंगा, अगर मैं स्पीड कह रहा हूं तो मुझे वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। सो हमें इसके बारे में लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कंपटीशन में ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, इसका एक्सप्रेशन हमको डिराइव करके निकालना है, वो डेरिवेशन हम सीखेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे करंट के साथ क्या है, वोल्टेज के साथ क्या है, फील्ड के साथ क्या है, और ये देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो एक मॉडल मैं शुरू में आपको बता देता हूँ जिसको आप दिमाग में रखकर ड्रिफ्ट स्पीड की इमेज बनाएं। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे रूम टेम्परेचर पर, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन धकेले जा रहे हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, हालांकि उनको चलना चाहिए था एक्सेलरेशन से, पर वो एक कांस्टेंट एवरेज स्पीड से चल रहे हैं जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कह रहे हैं, और ये काफी कम होती है, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ ओनली फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, मींस 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर की होती है, बहुत ही कम, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। फिर भी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं अप्लायंस तुरंत चालू हो जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड को पढ़ने के बाद। तो अब इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, किसी इंस्टेंट पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर करेगा, अगर जो कि कौन प्रोवाइड कर रही है, बैटरी प्रोवाइड कर रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से एग्जिट करेगा, यानी बैटरी के पॉजिटिव एंड में इलेक्ट्रॉन खींच कर जाएगा। बैटरी इज जस्ट लाइक ए पंप, अपने पास नहीं रखती वो, जैसे पंप जो है पानी अपने पास नहीं रखता, पंप कर देता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक से पानी लेता है, ओवरहेड वाटर टैंक में पंप कर देता है। तो बैटरी क्या कर रही है, इसके पॉजिटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन खींच रही है और नेगेटिव एंड को वापस दे रही है, तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, जिस दौरान इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या ये कंडक्टर चार्ज्ड है? व्हाट डू यू थिंक, इज दिस कंडक्टर चार्ज्ड ड्यूरिंग करंट फ्लो? जवाब है नो, इट इज न्यूट्रल, बिकॉज एज सून एज वन इलेक्ट्रॉन एंटर्स दिस एंड, अनदर इलेक्ट्रॉन लीव्स द अदर एंड, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स अभी उतने के उतने, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने पॉजिटिव आयन इसमें मौजूद है, तो नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद करंट क्यों है वो समझ लीजिए, मैग्नेटिज्म में हमारे काम आएगा एक कंसेप्ट। सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जो पॉजिटिव आयन है वो फ्लो नहीं हो रहे, बिकॉज इट इज सॉलिड, और सॉलिड में वो जो पॉजिटिव आयन है वो अपनी जगह हिल तो सकते हैं पर अपनी जगह छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं। सो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मूव करने के लिए, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो नेट नेगेटिव चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन हम उसके अपोजिट लेते हैं जैसा हमने सीखा था। तो मैं समझता हूँ ड्रिफ्ट स्पीड की एक इमेज आपके दिमाग में आ गई होगी। अब आपको ये समझना है कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होने वाला है। करंट फ्लो हो रहा है, जस्ट इमेजिन करंट फ्लो हो रहा है, मैंने टेम्परेचर, मेरे पास रेगुलेटर है, जैसे फैन रेगुलेटर से आप फैन की स्पीड बढ़ाते हैं, मेरे पास रेगुलेटर है, मैं उस रेगुलेटर से टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं यहां पर। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है, यानी सोचिए कोरोना काल में जैसे जैसे लोगों के बीच घबराहट फियर बढ़ रहा है, कोरोना का फियर बढ़ता है, वैसे वैसे आप देखते हैं सड़कें वीरान हो जाती है, और जैसे फियर थोड़ा कम होता है तो सड़कें फिर से आबाद हो जाती है, यानी लोग निकलना शुरू करते हैं,
सो इट इज फियर. सो यहां पर टेम्परेचर जैसे से बढ़ेगा, ये जो वाइब्रेशन वाइब्रेशनल एनर्जी वो अगर बढ़ेगी, वो बढ़ेंगी तो बच्चों टक्करें जल्दी जल्दी होंगी, टक्करें जल्दी जल्दी होंगी तो मोशन ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा, मोशन ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो आप अंदाजा लगाइए ड्रिफ्ट स्पीड का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होने वाला है. डेफिनेटली ये कम हो जाएगी, यानी यहां पहले एक सेकेंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ गया है, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि टकरा ज्यादा रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ गए, रैंडम मोशन बढ़ गए. तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट भी हमको स्टडी करना है. ये मॉडल अपने दिमाग में रखें और अब हम ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करते हैं और इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं बच्चों, फिर इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे. सो व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड? इट इज द एवरेज कांस्टेंट. तो ये टर्म दो साथ साथ आ रही, एवरेज कांस्टेंट मींस एवरेज लिया जाए तो कांस्टेंट है, वैसे कांस्टेंट नहीं है. इलेक्ट्रॉन चला, एक्सेलरेट हुआ, टकराया, रुका, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर टकराया, रुका, तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है. जैसे किसी बॉल को मैंने गिराया, सीढ़ी की तरफ जा रही, नीचे स्टेप की तरफ, सीढ़ियों में गिराया मैंने, सीढ़ी की तरफ जा रही है, तो नीचे जब जा रही है तो एक्सेलरेशन उसका जी है, और जब टकरा के वापस उछलती है और फिर अगली टक्कर के लिए नीचे जाती है, तो अगर मैं पूरे मान लो 100 सीढ़ी में इसको 100 सीढ़ियों के लिए इसके टक्कर वाले मोशन का एवरेज लूं, तब आप पाएंगे कि वो कांस्टेंट आ सकता है. तो एवरेज लेने पर कांस्टेंट है. तो बहुत सारी टक्करें इलेक्ट्रॉन कर रहा है, अगर हम उसका एवरेज मोशन कंसिडर करें तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द एवरेज, शॉर्ट फॉर्म एवी डॉट, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर भी लिख सकता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड. आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं. एक कंडक्टर व्हेन, बच्चों ये स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा, जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में आप पी डॉट डी डॉट लिख सकते हैं और पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा पी डॉट डी डॉट. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, तो जब हमने उसके सिरों के मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, हिंदी टर्म्स भी पता होने चाहिए, तो जिस एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब इसके लिए एक्सप्रेशन हमको निकालना है. उसके अलावा एक दो टर्म और सीख लीजिए जिसको मैं रेफरेंस साइड में लिख देता हूं. बच्चों आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन गैस. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गैस, अंदाजा लगाने की कोशिश करो, शब्दों पर गौर करोगे समझ में आ जाएगा. ये जो इलेक्ट्रॉन है गैस के एटम्स मॉलिक्यूल्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसा केटीजी में हमने पढ़ा था रैंडम मोशन, दैट्स व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन गैस, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी लेकर रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन करते हैं जस्ट लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. सो दीज आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन गैस. तो वो जो रैंडम मोशन था डायरेक्टेड मोशन में कन्वर्ट हुआ, हमने देखा. अब हमें इसका एक्सप्रेशन डिराइव करके निकालना है. तो दो नंबर में ये डेरिवेशन आता है, टू मार्क एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में करता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्केलर फॉर्म में करूंगा ड्रिफ्ट स्पीड. अब आप देखेंगे डिफरेंट बुक्स में कई तरीके आपको मिल जाएंगे, मैं सबसे आसान तरीका यहां पर शेयर कर रहा हूं. फिर भी अगर पहले से कोई तरीका आपके दिमाग में बैठा हुआ है आप वो यूज कर सकते हैं. हाँ, बस एससी वर्मा में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, उस मेथड को यूज ना करें जिसमें एक हाफ का फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रखा है, वो गलत है. टू का फैक्टर आ रहा है, हाफ का फैक्टर आ रहा है. सो लेट्स सी, किसी भी डेरिवेशन में, डेरिवेशन में एक डायग्राम होता है, थोड़ी मैथ्स होती है यानी गणित होती है, फिर रिजल्ट निकलता है, उसे याद रखना है.
आपको डायग्राम जरूर से बनाना है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, वी हैव टू शो ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर लाइक दिस। ऐसा दिखा सकते हैं एंड या ऐसा दिखा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अगर मतलब कोई सा एक ही पैटर्न यूज करना है आपको। अगर ये वाला सिरा मुझे दिख रहा है तो नेचुरल है ये डॉटेड लाइन से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये पीछे छुपा रहेगा। सो हियर मैंने इसको कनेक्ट किया। दिस इज द पार्ट ऑफ द कंडक्टर अंडर कंसिडरेशन। ये एंड पॉजिटिव है, ये बैटरी मैंने जोड़ दी है। कीज ऑप्शनल, अगर आपके पास बजट है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। वी वोल्ट की बैटरी और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं दिखाने जा रहा हूं अभी। जैसे हम की ऑन करते हैं, ये एंड हायर पोटेंशियल पर, ये एंड लोअर पोटेंशियल पर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है इसके पूरे वॉल्यूम में, कैपिटल ई, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में। और उसकी वजह से इसमें मौजूद हर इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स हम उसको कह सकते हैं, एफ इक्वल टू ई ई। वैक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा माइनस, क्योंकि अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। जो एवरेज लेने पर कांस्टेंट वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका एक्सप्रेशन हमको डिराइव करके निकालना है। अजम्पशन दिखाएंगे हम, माना कि कंडक्टर की लेंथ एल है। जब हम डायग्राम में सारी डिटेल दिखा देते हैं तो हमें लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो यहां पर करंट भी मार्क कर देता हूं मैं, सपोज आई। ये डायग्राम आप देखेंगे अगले दो डेरिवेशन में भी काम आएगा, यानी सेम डायग्राम वी विल यूज फॉर नेक्स्ट टू डेरिवेशंस। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का मोशन एन नंबर ऑफ कॉलिजन्स के लिए कंसिडर करूं और एवरेज यहां पर लेकर वेलोसिटी निकालूं, या एक इलेक्ट्रॉन की एन टक्करों के लिए, या तो एन इलेक्ट्रॉन की एक एक टक्कर के लिए फिर एवरेज, या एक इलेक्ट्रॉन की एन टक्कर के लिए फिर एवरेज, दोनों सिचुएशन में रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो यहां पर रेंडम मोशन एंड डायरेक्टेड मोशन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है। कंसिडरिंग मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर स्मॉल एन कॉलिजन्स। अब अगर मैं थोड़ा सा सेंसिबली काम करूं तो मुझे पता है कि स्मॉल एन मुझे आगे डेटा यूज करना है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं डिनोट करूंगा। तो मैं फिर यहां पर क्या चेंज करता हूं, छोटे एन को बड़े एन से बदल देता हूं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दो क्वांटिटीज के लिए सिमिलर नोटेशन नहीं होना चाहिए, लिंक्ड डिस्कशन जो है हमारे उसमें। तो कंसिडरिंग मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन कॉलिजन्स, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, मैं मोशन नहीं एवरेज मोशन ले रहा हूं एन कॉलिजन्स के लिए, एवरेज मोशन। तो हर बार जब इलेक्ट्रॉन टकराकर रुकेगा फिर चलेगा, रुका फिर चला, रुका मींस रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो डायरेक्टेड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी हर बार जीरो है, और रेंडम मोशन की अगर एवरेज वेलोसिटी मैं निकालता हूं तो पूरे टाइम जीरो है, क्योंकि कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है रेंडमली। तो रेंडम मोशन और डायरेक्टेड मोशन दोनों को कंबाइन करने के बाद यू एवरेज हमें मिलता है जीरो। वी एवरेज यही हमको पता करना है, वी एवरेज जो है वास्तव में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है, इट इज वी डी। वेक्टर में दिखाना है तो मैं वेक्टर में दिखा सकता हूं, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर वी डी। एक्सेलरेशन कैसा है यहां पर,
तो जवाब है एक्सेलेरेशन पूरे टाइम कांस्टेंट है, हर इलेक्ट्रॉन पर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो पूरे मोशन के दौरान एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है एंड दिस एक्सेलेरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास मींस माइनस ई अपॉन एम, एम हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो आप देख रहे हैं आपके पास यू है, वी है, ए है, साथ ही साथ अगर हमें रिलेशन पोटेंशियल के टर्म्स में चाहिए तो एक सिंपल यूनिट बेस्ड रिलेशन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नापते हैं वोल्ट पर मीटर में, पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, तो ई और वी के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा स्केलर फॉर्म में जब मैं बात करूंगा, तो ई इक्वल टू वी बाय एल, इसको भी मैं यूज करने वाला हूं। तो ये हमारे पास इनपुट है जिससे हम एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो अब यहां पर हमें पता चल गया मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, तो न्यूटन की तीनों इक्वेशंस यहां वैलिड हो जाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन के लिए, जो न्यूटन की इक्वेशंस हैं दोस इक्वेशंस आर वैलिड हियर। तो मैं यहां पर कौन सी इक्वेशन लगाऊं, क्या लगता है आपको विच इक्वेशन इज एप्लीकेबल हियर, मुझे पता करना है अननोन है वीडी, क्योंकि टाइम का फैक्टर नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन यहां पर यूज करेंगे। तो मैं थर्ड इक्वेशन से लिख सकता हूं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली, और टाइम का फैक्टर अगर मुझे लेना है तो टाइम का फैक्टर मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं बच्चों। कैसे टाइम का फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करना है सब समझ लेते हैं हम यहां पे, है ना। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन यूज करें, अगर मैं टाइम का फैक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं जो कि मुझे यहां पे चाहिए होगा, तो वो है एवरेज टाइम, मुझे एवरेज टाइम। एक्चुअल में थर्ड इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास एस नहीं है, ये तो मैंने कुछ पार्ट कंसिडर किया है तो एस नहीं है मेरे पास, तो मैं टाइम को इंट्रोड्यूस करता हूं टी एवरेज। टी एवरेज के लिए स्पेशल सिंबल हम यहां यूज करते हैं टॉ, इसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जैसा नाम है वही मतलब है। एक नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, जितने टाइम इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहा, तो इलेक्ट्रॉन कब रिलैक्स रहा, पहली टक्कर की, फिर दूसरी टक्कर कर रहा है, दो टक्कर के बीच में आराम से है वो, तो दो टक्कर के बीच इलैप्स टाइम, पहली टक्कर में लगा T1, पहली से दूसरी टक्कर में लगा T2, फिर अगली टक्कर में लगा T3 एंड सो ऑन, तो उन सबको जोड़ दो मैं अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, n टक्करें हम कंसिडर कर रहे हैं, देर आर n कॉलिजन्स डिवाइडेड बाय n, वो है टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि हम सबका एवरेज लेकर VD निकाल रहे हैं। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा वो बेहतर रहेगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मैं लिख सकता हूं v एवरेज इक्वल टू u एवरेज प्लस a, a सबके लिए सेम है तो उसका एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, a टाइम्स t एवरेज। जब मैं इसमें वैल्यूज रखता हूं, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, तो मुझे मिलता है v एवरेज की जगह vd, u एवरेज की जगह जीरो, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं हम इसको, a की वैल्यू माइनस में है ee अपॉन m इंटू t एवरेज की जगह tau। सो वी गॉट द एक्सप्रेशन, डिफ वेलोसिटी होती है माइनस छोटा ई बड़ा ई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी जितने टाइम इलेक्ट्रॉन बिना टक्कर के रहा। तो ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, दो नंबर में आपको इतना करना होता है। कई बार क्वेश्चन की डिमांड होती है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पता करो, कई बार न्यूमेरिकल में हमें पोटेंशियल के टर्म्स में इसको यूज करना होता है। सो What to do? Scalar form में ले जाएंगे हम इसको, E की जगह मैं लिखूंगा V by L, तो मैं also करके इसको लिख सकता हूं drift speed। Now मैं इसको velocity नहीं कह रहा,
इसको कह रहा हूँ ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड वी डी इक्वल टू ई की जगह मैंने वी बाय एल लिखा तो मुझे मिलता है ई वी टाउ अपॉन एम एल। अब यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन उसका कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ बनता है कि फील्ड की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ कुछ नहीं बनता। तो हमने दो डिफरेंट फॉर्मेट, एक पोटेंशियल की टर्म्स में एक फील्ड की टर्म्स में डिराइव किए। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अभी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलेगा नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पार्ट टू, उसमें हम करंट का रिलेशन और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन हम इसमें पूरे करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। अब बिल्कुल रेगुलरली आप देखेंगे एक निश्चित समय पर रोज एक लेक्चर आपको ट्वेल्थ के लिए, एक लेक्चर इलेवंथ के लिए मिला करेगा। प्लस इसमें हम टेस्ट भी प्लान करूंगा, टेस्ट प्लस प्लान करेंगे और बीच बीच में आपके पीरियोडिक टेस्ट भी मैं लूंगा इसमें और उन टेस्ट को मैं डिस्कस भी करूंगा। तो वो पूरा पैटर्न रेगुलरली कंसिस्टेंटली आप बने रहें साथ में। तो हमारा टारगेट है दिवाली तक कोर्स हम ख़त्म कर लेंगे, स्पीड बढ़ा दूंगा मैं, दिवाली तक कोर्स ख़त्म करके फिर रिविज़न भी करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।